खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह। आज यानी 21 दिसंबर को आरजेडी ने पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया और इसके पीछे की वजह थी सीएए और एनआरसी का विरोध। कहा गया कि सीएए जो एक्ट है उसके खिलाफ और साथ ही साथ जो गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में एनआरसी लागू करने की बात कही है उसको लेकर विरोध दर्ज करवाने के लिए आज पूरे बिहार को बंद रखा जाएगा। इसके समर्थन में वाम दलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी ने और साथ ही साथ बिहार की जो और छोटी पार्टियां हैं उन्होंने भी समर्थन की घोषणा की और बंद में आरजेडी का साथ दिया। बंद की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से। मैं मौजूद था भागलपुर में और भागलपुर में बंद की शुरुआत सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले जो दुकानें थी उसको बंद करवाया और उसके बाद फिर जो सड़कों पर ऑटो रिक्शा दिखे, ई रिक्शा दिखे, साइकिल रिक्शा दिखे, सबको तोड़ते हुए, डंडे पीटते हुए, मारपीट करते हुए बंद करवा कर आगे बढ़ते चले गए। ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा खतरनाक तब हो गया जब इन लोगों ने जो आसपास की गाड़ियां थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया और एक पिकअप वैन के शीशे तक तोड़ डाले। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इसमें किसी भी तरीके की हिंसा जिसमें हुई थी इसमें किसी भी तरीके की नुकसान नहीं हुआ, लोगों को नुकसान नहीं हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे पुलिस बल एक्टिव हुआ और उसने फिर लोगों को रोकना और पकड़ना शुरू किया, जिसमें तकरीबन 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब भागलपुर में शांत माहौल है। भागलपुर इसलिए भी ज़्यादा सेंसिटिव था क्योंकि भागलपुर बिहार के राजधानी झारखंड के उन हिस्सों से भी मिलती है जहां से पश्चिम बंगाल का बॉर्डर करीब है और इसकी वजह से यहां पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि भागलपुर में शायद हिंसा हो सकती है और इसको लेकर खास ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन जब हमने बंद कवर करने की शुरुआत सुबह 7 बजे से की उस दौरान एक भी सुरक्षा का जवान मौजूद नहीं था और यहाँ तक कि हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक लगातार लाइव रिपोर्टिंग की, उस दौरान भी एक भी व्यक्ति, एक भी पुलिस का जवान या यूं कहें कि सरकारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था जो इनके कार्यकर्ताओं को रोके या यूँ समझाए कि जो आप संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं उससे नुकसान होगा। अब इस बंद से किसे फ़ायदा हुआ किसे नुकसान हुआ ये अलग बात है, लेकिन जिस तरीके के हिंसा, जिस तरीके के तरीके अपनाए गए बंद को सफल करने के लिए, बंद को सही तरीके से लागू करने के लिए, वो बेहद ही बेकार या यूँ कहें कि ख़तरनाक हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, लेकिन जिस तरीके के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वो शायद नाकाबिले बर्दाश्त है।